मुहूर्त की चीज का देखा जाए। अरे सुनो, प्राण प्रतिष्ठा उसमें क्या प्राण डालेंगे अपन, जिसने अपन में प्राण डाले अपन उसमें क्या प्राण डाले। अहंकार दुर्योधन को लेट हुआ, अहंकार डुबाने वाली चीज है, इसका अर्थ यही होता है और कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था ये बात, और जो बार बार भी कहा है। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि छोड़ के अहंकार को, छोड़ के अहंकार को प्रेम प्रेम मोहब्बत में आ जाओ। बिल्कुल, इस अहंकार को छोड़कर प्रेम मोहब्बत में आ जाओ, धन दौलत को कंकड़ समझकर छोड़ जाओ, और राम राम कृष्ण नाम का जाप कर लो। आप लोग भगवान का नाम भी नहीं जपोगे, आप पांच लोग से प्रेम मोहब्बत रखोगे, भगवान उसी में मानता है कि मेरे नाम का चिंतन करता है। भगवान कृष्ण ने कहा, खुद क्या करके गए हैं कि जो दूसरे युगों में लोग, एक जोरदार नारा था, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा था बीजेपी का जो कि साकार हुआ। उसके अपोजिट एक नारा ये भी था, राम लला हम आएंगे मंदिर भी बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये नारा अपोजिट वालों का था। अब तीसरा नारा ये है, मंदिर भी बन गया अब न्योता दे दिया, अब नहीं आ रहे हैं। तो क्या है आकांक्षा, क्या है, इधर आइए आप, इधर आइए। सर मुंह सूज गया ना अब तो, वो लोग अब किस, अगर यहाँ पे आ गए वो लोग तो उन लोग को दोबारा कैसे कुछ भी कहने का मौका मिलेगा। उन लोग आए तो फंसे और ना आए तो फंसे, वही है ना कि लड्डू खाओ तो भी वो है और ना खाओ तो भी, तो जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। खा लो ना, अब ना खा के भी पछताना है तो कम से कम एक पाप से तो धुलोगे। कुल्हाड़ी पर पैर मरे, पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है। तो वो ऐसे हैं कि उन्हें निमंत्रण ही नहीं देना चाहिए था, थोड़ा बहुत उनका वो करके जो भले दे दिया गया, हकदार तो बिल्कुल नहीं। देखिए मोदी साहब तो ये मानते हैं कि योगी और मोदी ये मान के चलते हैं कि हर किसी को साथ में लेके चलो, लेकिन चाहते हैं और ये जो अगर किसी मतलब यहाँ जनरल वालों को थोड़ी बहुत बीजेपी से जो दिक्कत होगी, ये जो आरक्षण वाला चीज है, ठीक है, अगर वो लोग यही चाहते हैं, ये मतलब मेरे काइंड ऑफ ये कि हिंदू आवाज उठाए ना जा करके, जब हिंदू जा करके आवाज उठाएंगे तो जो नीचे के वो हैं वर्ग हैं जिनको भी ये सब वो मिला है, उसके बाद में उसका फैसला किया जाएगा ना। अब हिंदू हैं कि वो आपस में ही भेदभाव करते रहते हैं, हम ये हैं हम वो हैं, और अभी भी मतलब कई मतलब 40% 45% अभी भी ये चलता ही है। जब और पहले बहुत हुआ था जी, तो हिंदू जाति लगभग 3000 के आसपास थी, 3200 के आसपास, अब इतने 74-78 सालों में 6000 प्लस हो गई है जी। तो इससे हम ये चीज़ बहुत बड़े मतलब माइंड गेम हम मान सकते हैं कि किस तरीके से नौकरियों में हर चीज़ में आरक्षण दे दे के हिंदू धर्म को बांटा गया है। आज अकेला जाट कुछ नहीं कर सकता, अकेला ब्राह्मण कुछ नहीं कर सकता, अकेला राजपूत कुछ नहीं कर सकता, अकेला एससी एसटी वर्ग कुछ नहीं कर सकता है। जब तक कि आप जॉइंटली कोई काम नहीं करेंगे तब तक देश का विकास, हिंदू धर्म का विकास, हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाए। बिल्कुल, मेरा तो ऐसा मानना है, देखिए आरक्षण जो है आकांक्षा, आरक्षण सही है, चलिए उनके साथ में भेदभाव हुआ पहले टाइम में और सरकार उन्हें ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न में है, तो हम आरक्षण से ये नहीं चाहते कोई छेड़छाड़ हो ऐसा कुछ। हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू हितों की बात कर रहे हैं। आरक्षण सरकार का मुद्दा है, सरकार देखेगी, हमसे भी इंटेलिजेंट लोग वहाँ पर बैठे हैं, तो वो मुद्दा उन्हीं के पास हमें छोड़ देना चाहिए। हमें खुशी है अपने राम मंदिर की, हमारे योगी ने जो काम किया, हमारे मोदी साहब ने जो काम किया, ये इतिहास है, ये इतिहास में दर्ज हो गया। और सुना रहे अक्षरों में, नसीब है कि हमें ये ऐतिहासिक पल देखने को मिलेगा और हमारे नजरों के सामने ये ऐतिहासिक पल दोहराए मतलब हो रहा है और जी वही तो इसलिए नहीं आ रहे हैं अखिलेश जी और कांग्रेस कि उनके मुसलमान का वोट भी कट जाएगा, उनको पार्टी से मतलब है, वोट से उनको देश को तो बिगाड़ना है, और हमारे मोदी जी योगी जी जो है वो देश को बचा रहे हैं। और जो आप अभी स्टार्टिंग में आते टाइम क्वेश्चन किए थे ना कि वो कह रहे हैं कि फिर से कर लेंगे राम मंदिर को तोड़ के फिर से वो कर लेंगे, ठीक है ठीक है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। योगी जी ने दम नहीं है बिल्कुल, बताओ क्या बताया। वो योगी है ना, जो योगी वो जब अपना सर खुजाते हैं ना तो समझ लिए बवंडर होने वाला है। अभी कम बुलडोजर चला है ना, अभी लग रहा है कि सड़क पर रोड ट्रेन चलवाने का टाइम आ जाएगा उस टाइम। ऐसा ना हो, ऐसा देखिए, अभी योगी जी ने कहा कि 22 तारीख के आसपास कोई भी उपद्रवी, वैसे तो प्रशासन और यूपी पुलिस अपने आप में ही पूरे हिंदुस्तान में सबको बताए कि माफियाओं के साथ में क्या सलूक करती है, कैसे अराजक तत्वों को भगाती है, वो सबको पता है। और अभी साफ साफ चेतावनी दे दी है कि 22 तारीख को
कोई भी अगर उपद्रव करता मिल गया भैया यूपी पुलिस का डंडा देख लेना, अभी वर्ल्ड में फेमस हो गया यूपी पुलिस का डंडा। सही बात है, न्यूज न्यूज पे यही चलता है। और सच बात है यहाँ की कानूनी व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है पहले को लेकर के, इतना अच्छा मेंटेनेंस, मतलब इतना जो अभी ये सब कार्यक्रम हो रहा है इसमें इंसान कितना उलझ सकता है। कि एक महीने की 2019 के कुंभ में इतनी जबरदस्त व्यवस्था थी, सुरक्षा इतनी जबरदस्त थी, बिल्कुल। इवन जब हम कल आए तो हमारी खुद की गाड़ी को 3 बार चेक किया गया, हम 11 जने आए थे राजस्थान से। देखिए यूपी पुलिस की पहले आप वर्दी उठा के देख लीजिए, पहले आप उनका ड्रेसअप देख लीजिए, और अब की यूपी पुलिस का आप ड्रेसअप देख लीजिए, उनका रहन, उनका तरीका देख लीजिए, तो एडवांस हो गया, सब कुछ एडवांस हो गया, चीज में हो गया, सरकारी विद्यालयों में हो गया है, ये घूसखोरी वाला काम काइंड ऑफ बहुत हद तक का बंद हो चुका है, और एक डिसिप्लिन सिखा दिया गया है, एक डिसिप्लिन में आ गई है हमारी पुलिस व्यवस्था जो है वो सच में अब बहुत अच्छी रहती है हर चीज़ को लेकर के। और हम लोग तो यहाँ पे हैं जो इधर इस एक साल में 1.5 साल में यहाँ का कंडीशन हुआ है पुलिस वगैरह को लेकर के, बेस्ट है। मतलब मेरा नानी घर बिहार में पड़ता है, अच्छा। और वहाँ का तो कांड आपको क्या क्या बता, आपको बोले बताने की जरूरत नहीं है, बस। तो आप आइए, प्रशासन आपके साथ पूरा सहयोग करेगा, लेकिन हाँ 22 तारीख को थोड़ा अवॉइड करिएगा, मोदी जी ने भी कहा है जी, मोदी जी यही आ जी के कह करके 23 तारीख को आप कभी भी आइए, प्रशासन कभी भी आइए, आपको व्यवस्था वैसी ही मिलेगी, और मतलब थोड़ा हुड़दंगई कम होनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, होगा नहीं हुड़दंग, बिल्कुल नहीं होगा, राहुल गांधी को बड़ा याद करिए माता जी, इसलिए याद कर रहे हैं कि वो बहुत लेकर वो मंदिर मंदिर गदा लेकर घूम रहे थे, अब जो है वो विरोध कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ब्राह्मण समाज हमसे नाराज हो जाएगी, लेकिन मैं भी ब्राह्मण समाज हूँ, मैं मोदी जी को उनको होगी उनको जो है राहुल जी को वोट नहीं देंगे, हम भी ब्राह्मण समाज के हैं, कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, इसलिए कुछ झूठे फर्जी बनकर ब्राह्मण बनकर घूम रहे हैं। कैसे कोई भरोसा कर सकता है, ना उनके दादा का पता है, ना उनके बाप का पता है, ना उनकी मम्मी का पता है, क्या कौन से धर्म के हैं, क्या है, कुछ उनका कोई शोर ही नहीं है। हमारा तो जैसा आकांक्षा ने कहा, हमारा तो बस इतना कहना है कि आप पीछे चाहे जो भी हो, आप आगे आकर सामने माथा टेकिए और इस बात को तकदीर कर दीजिए कि भैया भगवान भी जब माफ कर देता है, कर देता है, क्यों, तो देखिए ब्राह्मण है हमारे साथ में, एक विद्वान है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल यादव। राहुल यादव, यदुवंशी। एक बात बताइए मुझे, गीता में भी लिखा है, ग्रंथों में भी लिखा है, कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा दुष्ट हो, कहते थे राक्षस माता भगवती के आके हाथ जोड़ लेते थे, माता उन्हें आशीर्वाद दे देती थी, यानी कि सनातन ऐसा है कि आशीर्वाद मिल जाता है बड़ी जल्दी कि भाई चल कोई नहीं अच्छे काम में कर रहा है, तू यानी कि पावर पाने का हकदार है। उसी तरीके से अगर ये भी अगर करे तो जनता इन्हें भी जिताएगी, अगर हिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो। देखिए मैं बताऊं, जो कि हमारे सनातनीय धर्म में, हिंदू धर्म में, जो कि जब सीता जी को रावण ने हरा था तो हनुमान जी पहुँचे थे, हनुमान जी ने समझाया था रावण को, देखो रावण मान जाओ इस अहंकार को छोड़ दो, देखो रावण ये अहंकार को छोड़ दो और श्री राम जी के चरणों में पहुंच जाओ, वो तुम्हें क्षमा कर दे। हर एक इंसान ने, हर हाथ भी मत जोड़ना, सिर्फ चरणों में जाके कह देना कि मुझे मुझसे गलती हो गई, प्रत्येक में ही माफ कर देते हैं हमारे हिंदू धर्म का ये है। मगर जो राहुल गांधी है, अब बात की जाए कि राम मंदिर पर राजनीति सबसे ज्यादा अगवा करता है ये इस बात को, कि जब जो इनकी 60 साल सरकार रही, 500 वर्ष पुराना ये मंदिर अब 2024 में बना है, जब इनकी 60 साल में इन्हों से मंदिर नहीं बन पाया, इनके प्रधानमंत्री भारी बहुमत तो सप्ताह से सरकारें बनती थी, मनमोहन की तो भैया पूरी सप्ताह से सरकार बैठी थी, तो इन लोगों से हाईकोर्ट से निर्देश आदेश तक नहीं ले पाए थे, इनसे वकील तक नहीं भेजते उस समय, इनके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भारी बहुमत से बैठे थे। मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, लेकिन क्या करें, जब घर का भेदी लंका डारा भी चुका, वो आकांक्षा वो जो है आपके शंकराचार्य, उन्होंने कहा भैया ये जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसका कोई मुहूर्त नहीं है, जो स्वयं मुहूर्त है, जो स्वयंभू है, इन्हें 500 सालों तक याद नहीं आया, और अब जब योगी ने और मोदी ने ताकत लगा के, दम लगा के, हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़कर इस मंदिर को, अब रही बात शुक्राचार्य जी की अब रही बात तो शुक्राचार्य जी की, तो मैं बता दूं मुहूर्त के चीज का देखा जाए, अरे सुनो प्राण प्रतिष्ठा उसमें क्या प्राण डालेंगे अपन, जिसने अपन में प्राण डाले अपन उसमें क्या प्राण डालेंगे, बिल्कुल। कौन सा वेद कहता है कि भगवान का मंदिर होता है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा में प्राण अपन डाल सकते हैं, अपन में क्या कौन सी शक्ति है अपन प्राण डालें,
बिल्कुल। अब मैं शुक्राचार्य जी का विरोध नहीं करूंगा, शुक्राचार्य जी जो हमारे गुरु हैं, सनातनीय हैं, जे है कि इन लोगों को वेद पुराण मंत्र पढ़ सकते हैं, मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, मगर भगवान के अंदर शुक्राचार्य जी भी नहीं डाल पाएंगे प्राण। नहीं, उन शुक्राचार्य में भी अभिमान आ गया, एक स्टेटमेंट थी कि मैं तो इंद्र को भी मेरी नजरों से मैं विक्षिप्त कर सकता हूँ। भैया अब तुम देवताओं से लड़ाई कर रहे हो, इंद्र कहाँ पर है? इंद्र के वज्र से हनुमान जी भी तिलमिला गए थे, और ये गलत है ये बात। इंद्र को हम बता दें, जब ठाकुर जी ने बचपन में इंद्र के अच्छे अच्छे शस्त्रों को हरा दिया था, सोचो अब तो ठाकुर जी तो 3 लाख कितने साल के हो गए होंगे। हाँ भाई, कृष्ण जन्माष्टमी गई है, हैं? तो करीबन जब मान लो 1 साल के तो हो ही गए, शुक्राचार्य जी का पूरा अहंकार टूट जाएगा। शुक्राचार्य जी इस बोरे में ना बैठे कि मैं इंद्र को भी हरा दूंगा। बिल्कुल, हाँ हाँ। ज्ञानी है, वेद पुराणों का हुआ उनको महत्व है, वेद पुराण जानते हैं, एक से एक बड़े मंत्र आते हैं उन्हें, हम मानते हैं कि ज्ञानी है। और हमारे मगर ये अज्ञानी अच्छी अच्छी चीजें सिखाई, देखिए ये अज्ञानी जैसी बातें ना करें शुक्राचार्य जी, हाथ जोड़ कर। हाँ, के इंद्र को हरा देंगे क्या भाई? देव भगवान को हराओगे? बिल्कुल, तो मैं तो जय ये जानता हूँ शुक्राचार्य जी महाज्ञानी ब्राह्मण प्रकांड विद्वान। अहंकार किसी का नहीं टिकता, नहीं। रावण का अहंकार रावण को ले डूबा, कंस का अहंकार कंस को ले डूबा, दुर्योधन का अहंकार दुर्योधन को ले डूबा। अहंकार डुबाने वाली चीज है, इसका अर्थ यही होता है और कुछ नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था ये बात, और जो बार बार भी कहा है। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि छोड़ के अहंकार को, छोड़ के अहंकार को प्रेम प्रेम मोहब्बत में आ जाओ। बिल्कुल, इस अहंकार को छोड़कर प्रेम मोहब्बत में आ जाओ, धन दौलत को कंकड़ समझकर छोड़ जाओ, और राम राम कृष्ण नाम का जाप कर लो। आप लोग भगवान का नाम भी नहीं जपोगे, आप 5 लोग से प्रेम मोहब्बत रखोगे, भगवान उसी में मानता है कि मेरे नाम का चिंतन करता है। देखिए रही बात कि मंदिर कहाँ बनाओगे, तारीख कब बताओगे और नेता कब भेजोगे, ये बात बता दूं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मतलब बना चुके। तारीख 22 बता दी है, नौता घर भिजवा दिया है, अब रही बात आने की, 75% मोदी योगी का, बचा 25% तुम्हारा। जिस दिन तुम राम, जिस दिन अयोध्या में आ गए ना, उस दिन 25 भी योगी मोदी ले लेंगे, ले ले। इसलिए नहीं आ रहा, 25 बचा खुचा बचा लो, पड़ गए तो वरना लुटिया डूब जाएगी, लुटिया डूब जाएगी, कुआ आएंगे वे पानी भी नहीं दे रहा कुआ में से। बिल्कुल, तो ये देखिए काफी ज्यादा आप यहाँ पर आएंगे और मजा आएगा, आप जितना देख के मजा आ रहा है उससे ज्यादा मजा और उससे ज्यादा श्रद्धा में डूब जाएंगे यहाँ पर आके। और आकांक्षा देखिए, खम्बो में हर जगह राम नाम, मैं बस में आया ट्रैवल करके खुद इस चीज को देखने के लिए, बस में राम नाम की अखंड धुन, तो बहुत ज्यादा एकदम ऐसा लगेगा स्वर्ग में आ गए। अयोध्या में नहीं, आप स्वर्ग से तुलना करिए, जैसे मथुरा को स्वर्ग की परिभाषा दी है वैसे ही, वैसे ही आप जी राधे राधे, राधे, राधे। और यहाँ पर है जय श्री राम, 8 दिन से घूम रहे हैं अयोध्या में जी, 8 दिन से घूम रहा हूँ, रोजाना कहीं रात के 2 बज जाते 2:30 बज जाते घूमते। बिल्कुल बिल्कुल, और हम 3 दिन से तो बिल्कुल नहीं सोए, ना दिन में ना रात में, घूमते रहते हैं, मन चिंतन, नींद ही नहीं लगती, यहाँ लगेगी भी नहीं यार, पब्लिक चलती रहती है। सोचते चलो यार थोड़ा बहुत और घूमे आए यार, चलो राम मंदिर की ओर चले, राम जन्मभूमि की ओर। तुम भी घूमते रहते हो ऐसे? बताओ। मेरा तो दिन रात का, मतलब दिन में तो मेरी क्लासेस वगैरह रहती हैं, आज मुझे टाइम मिला तो हम यहाँ पे आए थे, बाकी शाम के टाइम पे मेरा फिक्स रहता है, रात और दिन हम जन्मभूमि में ही बैठे। इतना प्यारा, इतना सुख, मतलब लगता ही नहीं है अयोध्या। खाना खाने तक नहीं जाते, खाना खाने तक जाने का मन नहीं करता कि अब चलो भंडारा चालू हो गया, खाना खाया, रात के 2:30 बज गए, नहीं ना, वहीं बैठे रहते। और मंदिर वाले तक कहते गरीबों का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, यहाँ की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की देखिए कितनी हो गई, और ऊपर से खाने का कोई भी, मतलब गरीबों को सोचना तक नहीं पड़ता है, ना खाने का ना रहने का, मंदिर की यही सबसे अच्छी चीज है कि ना आपको खाने का सोचना है ना सोने का सोचना है। आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि भैया खाने को क्या खाऊंगा, आपको ये टेंशन नहीं लेनी है सोने का कहाँ सोऊंगा, हर जगह। अरे राहुल गांधी को छोड़ो भैया, वो उन्होंने एक बार घोषणा की थी कि मेरी सरकार होती तो 1 साल में मंदिर बना देता। अब मैंने माइंडेड लगाया के मूरख, अरे मुल्ला काजी टपत्ता अट्टी, तो ना भटा में ना मूरा में, अच्छा। ना भाजी में ना टमाटर में, तू कौन सी सब्जी है, तो हम तो बना के खा ले, तेरी सब्जी को नाम ही पता नहीं। हम मोदी योगी को तो पता है कि एक है
जंगल को राजा और एक है शेर, एक है चीता, एक शेर और एक सवा शेर। बिल्कुल। तो इसलिए हम उन्हें नाम से पहचान के वोट दे देते हैं। अब तेरी सब्जी का ही नाम पता नहीं तो वोट कहाँ से दें? और 60 साल में मंदिर नहीं बना पाया, एक में क्या बनाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों मैं शब्द नहीं है, और भी ज़्यादा आपको चीज़ें मैं आगे दिखाऊंगा। और इसी के साथ में जय श्री राम।